शादी हो रही है मेरी ऐसा एग्जैक्टली मुझे सच में ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरी असली शादी होंगी। बिहेव तो सारे वैसे ही कर रहे हैं जो मुझे बहुत गंदा लग रहा है क्योंकि मुझे मेरे को वैसे ही शादी से वो एलर्जी है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं शादी ना करूं, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने क्रिएटिव से बहुत बात की बट उनने बोला कि करनी पड़ेगी कि तुम अब अकेले बच गए हो, बाकी सबकी हो चुकी है। तो फाइनली चलो मेरी शादी हो रही है एंड आई एम सो हैप्पी कि अच्छा ट्रैक आया है मेरा, मेरे बच्चे को फाइनली बोलने को मिल जाएगा कि मेरे माँ बाप हैं बेचारा। तो आई एम रियली हैप्पी यार, घर वाले बहुत खुश हैं, कितने अच्छे से सब कर रहे हैं, रमन भाई, मम्मी पापा सब खुश हो रही है। मुझे लगता है शायद ये पहली शादी होगी हमारे शो में जिसमें सब नॉर्मल जा रहा है, कोई ड्रामा नहीं अभी तक तो दिख नहीं रहा, आगे का पता नहीं। वजह नहीं, हाँ वो मुझे पता चला अभी, ये है वो ये चीज़ मुझे बनवाई है और इसके बाद बोला है कि मैं सारिका को शादी तक देख नहीं सकता। तो ठीक है यार, ये गम भी सह लेंगे अभी फिलहाल नहीं देखेंगे अभी, और क्या कर सकते हैं। मम्मी तो आपको पता ही कैसी है, वो तो 5-6 तो ऐसे ही मार डाले तो मुझे तो दबाई देगी अंदर, तो नहीं देखेंगे अभी फिलहाल। वही मुझे मैंने एक्चुअली तो खाली यू टॉकिंग अबाउट दिस फैट थिंग राइट, हाँ तो मैंने तो बहुत नॉर्मल लिया था उस चीज़ को स्टार्टिंग, मैंने सिर्फ एक मैसेज देने के लिए लिखा था, लेकिन मुझे बाद में पता चला जब मुझे ट्वीट्स और मैसेजेस आने शुरू हो गए, इफ़ यू गो चेक माय फेसबुक माय पर्सनल अकाउंट यू सी द कमेंट्स ऑफ द पीपल दे आर रिटन लाइक, उन्हें लिखा हुआ एग्जैक्टली कि यार काफ़ी लड़कों ने लिखा कि हमें बाहर पढ़ने जाना था और हमारा वीज़ा ही लगा क्योंकि हमारा पासपोर्ट जम्मू एंड कश्मीर का था, मेरे पास स्क्रीन शॉट्स पड़े हुए हैं, लोगों ने लिखा हुआ है, सब ने बोला हुआ है वहाँ पे, एग्जैक्टली ट्वीट्स किए हुए हैं मेरे को एंड देयर, अब वो मुझे थैंक्स बोल रहे हैं यार। मैं तो कोई सी ना दैट आई एम अ पॉलिटिशियन, ठीक है ना, ना मेरा काम है ना मुझे कोई इंटरेस्ट है उस चीज़ में, ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि जब मैं 2-3 साल पहले आया था जो मैंने प्रॉब्लम सही थी, बट थैंक टू लाइक रियली अल्लाह का शुक्र है कि मेरी भाई यहाँ पे थे जो काफ़ी साल से रह रहे थे तो मुझे घर मिल गया। उन लोगों का क्या है यार, वो तो वहाँ से निकल के आते हैं जेब में 15-20 हज़ार रुपये डाल के यार काम करने के लिए, उन लोगों का तो मतलब बहुत गलत है यार, बहुत गलत है। मैं एक्शन मुझे नहीं लेना है, आई एम नॉट द वन हु विल टेक एक्शन, हु एम आई, आई एम अ एक्टर, आई एम नॉट अ कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आई एम नॉट अ, मैं कोई ह्यूमन राइट्स, मैं तो कोई नहीं हूँ यार। मेरा काम है बोलना, सुनने वाले शायद मुझे देख रहे होंगे, अगर उनमें इतना है तो वो सुन के ये चीज़ को हटाएं, मेरा काम है उनके तक पहुँचाना। आज के तो अगर वो अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को तो वो उनकी बेवकूफ़ी है, ये अवॉइड करने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि जितना तुम पूरी दुनिया जम्मू को तुम लड़ते हो यार हमारे स्टेट के लिए यार, तुम एवरीवन इज़ लाइक, दुनिया वहाँ आती है वहाँ पे एक पीस मिलता है जब तुम जम्मू कश्मीर में एंटर करते हो, तुम्हारी हमारी लाइक वैष्णो देवी वहाँ पर है, अमरनाथ यात्रा वहाँ पर है, तुम पूरी दुनिया वहाँ आती है यार, हम लोग तुम्हें वेलकम करते हैं वहाँ पर। मेरे फ्रेंड्स यहाँ से, दिव्यांका भी पिछले लास्ट ईयर गई थी वैष्णो देवी, मैंने उनके लिए वहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट रखा था यू कैन आस्क यार, मेरे जितने दोस्त जाते हैं ना मैं उनके साथ साथ वैष्णो देवी होके आए हूँ, उन सबको लेके घुमाते हैं वहाँ पे, हम रखते हैं उनको, मेरे घर पे रहे हैं सब लोग। ऐसा भी है अगर तुम लोग हमारे साथ करोगे यार तो ज़्यादा से कुछ नहीं होगा कि हम, मैं तो कहीं भी कुछ भी कर लूँगा रह लूँगा, लेकिन ये ना ही इस जगह के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ होनी है, बल्कि एक नुकसान ही होगा, यू नो एक नुकसान हो जाएगा, सबके लिए नुकसान हो रहा है। तो यू नेवर नो कि जिस लोगों के लिए तुम खड़े हो वहाँ पर, जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, यू नेवर नो कि उनमें क्या टैलेंट है, वो किस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, वो किस चीज़ में तुम्हारी स्टेट को आगे बढ़ा सकते हैं यार, यू नेवर नो। वो इंडिया का नाम बना रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर का नाम नहीं बना रहे हैं, मैं जम्मू कश्मीर का नाम नहीं बनाऊंगा। अगर मैं इवेंट के लिए कहीं बाहर जाता हूँ, फॉरेन कंट्री में जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर नहीं बोलता हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं ऐसा बोलता हूँ। मैंने नेशनल्स खेले हुए हैं, मैंने टाइकोंडो नेशनल खेले हुए हैं, तो मैं कभी ये वहाँ पे जाके वहाँ पे JNK का झंडा नहीं लगाता, वहाँ मेरे इंडिया का झंडा लगा होता था यहाँ पर। अब आई एम फीलिंग सो दिस थिंग ओके सो या मेरे को सीरियसली बताऊँ तो मैं जैसे आपको बताया कि मैं इस चीज़ को उतना बढ़ाना नहीं चाहता था, ठीक है, मुझे इस चीज़ को बढ़ाना था ही नहीं, मैंने इसको बहुत नॉर्मल खेला कि आई मीन जो लोग हैं वो जो सोसाइटी हैं उन लोगों ने मुझे देखा हुआ है वहाँ पे आते हुए मीटिंग करते हुए एक फ्लैट के लिए, तो आई होप कि वो मुझे देख के ये चीज़ को रियलाइज़ हो जाए यार कि मतलब तुम्हारे बच्चे भी कल को बाहर जा सकते हैं, तुम्हारे बच्चे भी किसी दूसरी स्टेट में जाके रह लेंगे, अगर उनको वहाँ पे जाके घर नहीं मिलेगा तो तुम
यार माँ बाप का दिल टूट जाता है। माई मॉम स्टार्ट क्राइंग ऑन द फोन जब मैंने उनको बोला मुझे घर नहीं मिल रहा है, शी स्टार्ट क्राइंग। उनको डर लगा था कि पता नहीं उन्हें होमलेस पड़ लिया, उनको लगा मैं शायद रोड पे तो नहीं सो रहा। मैं बोला मम्मा मेरी टेंशन मत लो आप, मैं रह लूँगा कहीं ना कहीं। मेरे पास बहुत लोग हैं ऐसे, मुझे संग्राम मेरे पीछे पड़ा हुआ है, करण मेरे को बोल रहा है यार मेरा घर पड़ा है पूरा यार, तू रूम तू वहाँ रह ले मेरे साथ पूरी जिंदगी रह ले। मेरे को करण के डैड सब बोल रहे हैं यार, एवरीबडी मेरे शो में जितने लोग हैं, मेरे प्रोडक्शन वाले तक मुझे बोलते हैं हमारे साथ यार तुम मानोगे, मेरे लाइट वाले तक मुझे बोलते हैं सर जब उन्हें पड़ा, बोलते सर हम आपके लिए ढूंढ लेंगे, हम निकल जाते हैं आप हमारे घर में रह लो। मैं यार मेरी प्रॉब्लम मत करो तुम, मैं कहीं भी रह लूँगा। लेकिन जस्ट थिंक कि कितने लोग हैं ऐसे, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया है कि हमें एक कमरे में 6-6 लोगों को रहना पड़ता है और चोरी चोरी रहना पड़ता है, हाउस मकान मालिक को पता नहीं होता क्योंकि वो हमें रहने नहीं देगा। ऐसी चीज़ मैंने खुद मुझे बताई गई उन्होंने, ये तो मुझे बाद में पता चला यार। मैं तो अपने लिए कर रहा था, फ्रेंकली स्पीकिंग इसमें कोई वैसी बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है, मुझे टाइम नहीं मिलता, मैं किसी से मिलता नहीं, कुछ नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे पता ही था ये सब हो रहा है, मुझे इस बारे में आइडिया भी नहीं था और कितना कुछ हो रहा है वो तो मुझे पता चला। तो आई होप कि अभी फॉर गॉड से यार ये ख़त्म करो, हम सब एक हैं यार, तुम हमारे कागज़ ले लो, तुम्हारे पेपर्स ले लो, उसके बेसिस पे हमें रहने दे दो कम से कम यार। अगर तुम्हारे पास मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, मुझे छोड़ दो, जाने दो, नहीं रहूँगा अगर मेरे पास कागज़ नहीं है। आई एम गिविंग यू माई बालाजी थिंग, मुझे बोलते हैं आप तुम ना वर्क बताओ काम कर रहे हो यार, वर्क आई एम कमिंग 7:30 ऑल दैट एवरी टाइम नाइट, तो मुझे देख रहे हो सामने यार, थोड़ी सी तो शर्म करो यार कि मतलब तुम मुझे कैसे मना कर सकते हो कि तुम मुझे घर नहीं दोगे यार। आई एम नॉट, मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कोई गुंडे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, या तो मैं बहुत गलत, या तो मेरा बैकग्राउंड कोई टेररिस्ट का रह चुका हो, नथिंग लाइक दैट। जिन लोगों को मिलता है मुझे पता है वो कैसे फ्लैट मिलते हैं, वो किन 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 तरीके से मिलते हैं मुझे वो भी पता है। ब्रोकर्स बेचारे कोशिश करते हैं, उनने बहुत कोशिश की थी, हर एक ने बहुत कोशिश की मेरे लिए, खासकर बहुत कोशिश की, उनको भी फील हो रहा था बिकॉज दे नो मी, दे वर लाइक वी आर फीलिंग बैड, उनको भी बैड फील हो रहा था। आई जस्ट होप कि ये एक बार ख़त्म हो जाए और मेरा छोड़ो यार, जो लोग हैं उनको घर भेज दो, बस कागज़ चेक कर लो, ये मैसेज पहुंच जाए जिनके तक पहुंचना चाहिए, अगर वो देख रहे हैं फॉर गॉड से या चेंज। थैंक यू सो मच।